हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने टेंस पढ़े थे। टेंस जो थे हमारे तीन टाइप के थे और इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की थी, जिसमें डू और डज का यूज हमने पता किया था और उसकी पहचान कैसे करते हैं ये पता किया था। और हमने एक फॉर्मूला लिखा था जो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंस बनाए थे। इसके बाद हमने बात की थी नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज कहाँ पे होता है, और एक फॉर्मूला लिखा था जो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कुछ सेंटेंस बनाए थे। इसके बाद हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या थे? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमने दो फॉर्मूले लिखे थे। जो हमारे फॉर्मूले थे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, और उसमें हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा था WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और फर्स्ट फॉर्मूले का यूज कहाँ पे हुआ था हमारे? जहाँ पे आंसर में यस या नो हो, और सेकेंड फॉर्मूले का आंसर जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो और यस और नो न हो। और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इसका मीन्स होता है जो इंटरनल ट्रूथ होता है, मीन्स की जो हमेशा सत्य होता है। मीन्स इंटरनल ट्रूथ की बात होती है। इंटरनल ट्रूथ मीन्स जो हमेशा सत्य होता है, जैसे सूरज कहां से निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है, वो हमेशा पूरब से ही निकलेगा, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और पश्चिम में जाकर डूबता है तो उसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स की जो हमेशा सत्य हो उसको क्या बोलते हैं? यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट। मीन्स की वहां पे यूज होता है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बात सत्य है। और ऐसे ही द सन सेट्स इन द वेस्ट। थैंक यू।